हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स बेस्ड अपॉन इन्फॉर्मेशन नोन टू यू, ए लेमार्किज्म। तो हमें लेमार्किज्म के बारे में नोट्स लिखना है, बताना है। तो लेमार्किज्म क्या है? लेमार्किज्म इज़ अ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी है, जो किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क। इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट जो एनी फिजिकल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम वो क्या हो जाते हैं? वो इनहेरिट हो जाते हैं या ट्रांसमिट हो जाते हैं इन देयर ऑफस्प्रिंग उनके ऑफस्प्रिंग में। ये कहना था लेमार्क सर का। इन्होंने इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए चार प्रपोजिशंस दिए थे। पहला था चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज। इसमें कहा गया था द ऑर्गन्स यूज्ड मच ऑफन या मच फ्रीक्वेंटली, जो जितने ज़्यादा यूज होते हैं वो डेवलप होते हैं इन सक्सेसिव जनरेशन में, वो ऑर्गन्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, जबकि जो डिसयूज हो जाते हैं या जिनका यूज़ डिसकंटिन्यूस हो जाता है या फिर विच आर नॉट यूज्ड ऑफन मच ऑफन विच आर यूज्ड मच ऑफन बहुत कम टाइम के लिए यूज़ होते हैं, तो वो डिसअपियर हो जाते हैं सक्सेसिव जनरेशन में या कमिंग जनरेशन में वो डिसअपियर हो जाते हैं। ये था यूज़ एंड डिसयूज़। और इसका एग्जांपल क्या है? जिराफ नेक। जिराफ अपनी नेक का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे, उस वजह से उनकी नेक लॉन्ग हो गई। ये कहना था लेमार्क का। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिज्म जो है ड्रिवन टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी। ये सेकेंड पॉइंट था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो जितना अडॉप्ट करेगा एनवायरनमेंट को वो उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ये कहना था उनका। थर्ड पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है कि जितने भी कैरेक्टर एक्वायर हैं वो पास ऑन हो जाते हैं टू ऑफस्प्रिंग। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।